बास का तो होता ही है, आदमी ये समझता है कि मैं बहुत नेक हो गया हूँ, मैं बड़े बुलंद दर्जे पे पहुँच गया हूँ, जबकि हकीकत में वो बुलंद दर्जे पे पहुँचा नहीं होता। इसकी मिसाल हज़रत हकीम उल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वर अल्लाहु मरकदहु, हज़रत को एक आदमी ने ख़त लिखा और वो अपने आप को बड़ा नेक समझता था। दर्जात होते हैं विलायत के, कुतब, अब्दाल, गौस, इस तरह मुख्तलिफ मकामात हैं। उसने ख़त लिखा, ख़त के अंदर उसने लिखा, हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं की बरकत से, आपकी तवज्जो की बरकत से मैं इस वक्त अब्दाल बन गया हूँ, मैं इस वक्त अब्दाल बन गया हूँ। हज़रत ने जवाब में इरशाद फरमाया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, पहले गोश्त था, अब्दाल बन गया है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, पहले गोश्त था, अब दाल बन गया है, यानी अब अलग दाल अलग। उसने मिला के लिखा था, उसका मतलब था कि विलायत के फलां दर्जे पर मैं पहुंच गया हूँ। फरमाया विलायत के दर्जे पर अभी नहीं पहुंचा, तो उस तेरे अंदर तो कमी वाक़ हो गई है, तो अभी से बतलाना शुरू हो गया है कि मैं फलां दर्जे पर पहुंच गया हूँ। तुझे क्या मालूम कि दर्जा क्या है? जब तक आदमी अपने शेख को अपने हालात की इत्तला न करे, वो अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा होता है और हकीकत के अंदर वो कुछ होता नहीं है।